कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज की जो हमारी है वीडियो वो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, होने वाली है डार्क सर्कल्स के मुताबिक। क्रीम बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और क्रीम भी उन चीज़ों से बनेगी जो कि आप लोगों के घरों में ईजीली अवेलेबल होंगे। तो ये क्रीम बेसिकली किन चीज़ों के लिए है? आपके डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क पैचेस के लिए, जिन लोगों की डार्क सर्कल्स हो जाती है आईज के अराउंड ज़्यादा ना सोने से, या आप लोगों की नींद पूरी नहीं होती, या कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है प्रॉब्लम, तो वो आज क्रीम बनाना सिखाऊंगी। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। बाउल स्पून हमें हमेशा चाहिए होता है। एलोवेरा जेल हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैं बाज़ारी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये स्टोर होगी क्रीम, तो हम लोग बाज़ारी यूज़ करेंगे वरना ख़राब हो सकती है। यहाँ पे मैं बादामी शीरी यानी स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग को ईजिली मार्केट से मिल जाएगी। और एवियन कैप्सूल में विटामिन ई ऑयल के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के डार्क सर्कल्स को बिल्कुल रिड्यूस करेगा, ख़त्म करेगा अगर आप इसको रेगुलर होकर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कैंपटी कंटेनर यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इस क्रीम को बना के इजीली स्टोर कर सकूँ। चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर बनाने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले लेंगे एलोवेरा जेल। आप लोग अगर मेरी माने तो आप लोग लाजमी घर का ट्राई मत करें, क्योंकि ये क्रीम स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद 1 हफ्ते बाद ही घर का अगर एलोवेरा जेल यूज़ किया तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों की क्रीम वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून एलोवेरा जेल लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यानी मिक्स करने का मतलब ये है कि इसको अच्छी सी कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ सी बना लूँगी, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी लम्स क्रम्स ना रहें, ताकि क्रीम में बाद में कोई हमें दिक्कत ना हो थोड़े से लम्स आने में। तो अच्छे से इसको पहले मैं कर लूँगी। आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये बिल्कुल जेल फॉर्म में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाइटिश फॉर्म में आती है। जितनी आप लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे या आप मैश करेंगे, उतने ही आप लोगों को इसकी वाइटिश कंसिस्टेंसी या कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है स्वीट आलमंड ऑयल यानी बादामी शीरी। बादामी शीरी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 स्पून बादामी शीरी के मैं आप लोगों को फ़ायदे में बता चुकी हूँ पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में। ये आप लोगों के डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आप लोगों की स्किन के ऊपर एक ग्लो लेके आता है। जिनकी छाइयाँ भी हो रही हैं वो ये लगा सकते हैं क्रीम। यानी ये ऑल इन वन क्रीम है, आप लोगों के स्पॉट को ख़त्म करेगा। डार्क सर्कल्स के लिए स्पेशली ये क्रीम बनाई जाती है। यूज़ करती हूँ मैं खुद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने आलमंड ऑयल डालने के बाद ही मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और नेक्स्ट मैं इवियन कैप्सूल डाल रही हूँ विटामिन ई ऑयल के लिए। आप लोगों के पास विटामिन ई ऑयल है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो इवियन कैप्सूल डाल सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल आप लोगों को मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं 1 कैप्सूल डाल रही हूँ। ये हम लोग 14 to 15 डेज़ के लिए बना रहे हैं क्रीम, और एनफ होगी। इतनी थोड़ी आप बनाएं, वो यूज़ करने के बाद आप दोबारा से बना सकते हैं। इस तरह अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि तीनों चीज़ें यकजान हो जाए, यानी एक ही जान बन जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल वाइट कलर की क्रीम कंसिस्टेंसी भी इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ गई है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप लोग, तभी आप लोगों के पास ये क्रीम फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको मैं निकालूंगी एक कंटेनर में। आप लोग कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, चाहे आप लोग शीशे का ले रहे हैं, प्लास्टिक का ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको स्टोर फ्रिज में करना है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आप लोग लाजमी इसको फ्रिज में रखिएगा। अच्छा जी, ये क्रीम आप लोगों ने यूज़ करनी है रेगुलर होके, क्योंकि आप लोगों को कोई भी रेमेडीज़ में बताती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि रेगुलर होके आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को उसका रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। ये नहीं कि आप लोगों ने 1 हफ्ते में एक दफ़ा लगाई और फिर वो 2 हफ्तों के लिए आप लोग भूल गए, ऐसे मत करिए। रेगुलर चीज़ लगाया करिए, उसके आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो इसको यूज़ किस तरीके से करना है, रात को आप लोगों ने फेस क्लीन किया है, सोने से पहले आप लोग इसको डार्क सर्कल्स पर लगा लेंगे, आप लोगों के आई स्पॉट्स के ऊपर, आप लोग आंखों के ऊपर भी जो क्रीज एरिया होता है उसके साथ साथ डार्क सर्कल्स यानी जो आंखों के नीचे गिर्द काले धब्बे या स्याह होते हैं उनके ऊपर आप लोग अच्छे से थोड़ी सी क्रीम बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लेंगे और उसको अच्छे से अपनी आंखों के इर्द गिर्द मसाज करेंगे। ये क्रीम इतनी लाइट वेट होगी कि ये उसी वक्त ही आप लोगों की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी और अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करेगी अगर आप रेगुलर होकर यूज़ करेंगे। इसको आप लोगों ने अच्छे से अपने स्किन में थोड़ा सा मसाज करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आप लोग सो जाएंगे और सुबह उठ के आप लोगों ने इसको ल्यूक वार्म वाटर से धो देना है। आप लोग इसका रिजल्ट लाजमी देखेंगे अगर आप लोग इसको रेगुलर होकर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है मैंने। सारे इंग्रीडियंट्स वही थे जो बहुत यूज़फुल होते हैं आप लोगों की स्किन के डार्क सर्कल्स को, डार्क पैचेस को, स्पॉट्स को
फाइन लाइंस को, एजिंग लाइंस को ख़त्म करने में हेल्पफुल होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो यहाँ होती है हमारी आज की वीडियो ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। मुझे फीडबैक देना ना भूलें, इस क्रीम को लाजमी ट्राई करें, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।